Let X be the universal set and A and B are the subsets of X, and number of element in universal set is equals to 70, number of element in A is 30 and B in 45, and number of element both in A and B is 10. Then we will find the value of number of elements in A complement intersection B complement. हम इसको फाइंड आउट करते हैं. तो देखो, इसको फाइंड करने के लिए हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन बाय डी मोगन्स लॉ हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. इस कॉम्प्लीमेंट को हम डैश भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट ही थे. ठीक है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं आते. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. अब हमें पता है कि दिस इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी. दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स इन ए प्लस एलिमेंट्स इन बी माइनस एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. अब इसी को यूज़ करने वाले हैं हम. देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स माइनस, अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. ये फॉर्मूला कैसा हुआ देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. अब दिस नेगेटिव विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट. देन वी विल गेट हियर एन ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स ओवर हियर. देन वी विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स दैट इज 70 एज यू सी इन द क्वेश्चन. दैट इज 70 माइनस 30 माइनस 45 प्लस 10. देन वी विल गेट हियर 70 दैट इज माइनस 5 75 प्लस 10. दिस इज इक्वल्स टू 70 माइनस 65 एंड फाइनली वी विल गेट द टर्म दैट इज 5. सो आवर आंसर इज 5.